हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर सेकंड से 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लो कि लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड गोल्स में फर्क क्या है। जैसे आपको पता चल रहा है, लॉन्ग पीरियड मतलब किसी लंबे टाइम के लिए और शॉर्ट पीरियड मतलब शॉर्ट टाइम के लिए। अब हम इसको प्लानिंग इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि लॉन्ग पीरियड क्या होता है और शॉर्ट पीरियड क्या होता है। इसमें क्या था कि लॉन्ग पीरियड गोल्स बने, ठीक है, लॉन्ग पीरियड गोल्स बने जो लॉन्ग टर्म में अचीव होते और उनको अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स बने। फर्स्ट हम पढ़ते हैं लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड गोल्स ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग पीरियड गोल्स आर कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अब लॉन्ग पीरियड गोल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ क्या होता है? इट मीन्स इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी ग्रो करने का मतलब क्या होता है? तो जीडीपी कब ग्रोथ करेगा? जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। जब कॉन्टिन्यूसली गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अब जब जीडीपी बढ़ेगा वो किस पे डिपेंड करता है? ये ऐसे टू फैक्टर्स है जिन पे वो डिपेंड करता है। फर्स्ट है हमारा इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री। इंक्रीज इन रिसोर्स बेस होता है कि उसकी उस कंट्री के रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जीडीपी बढ़ेगा। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी बाय इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होता है न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्निक्स जिसके बेसिस पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो जीडीपी इन दोनों केसेस में बढ़ेगा, जब आपके रिसोर्स बढ़ेंगे और जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो एक हमारा गोल था लॉन्ग टर्म गोल जीडीपी ग्रोथ। सेकेंड लॉन्ग टर्म गोल है फुल एम्प्लॉयमेंट, कि लोगों को, सभी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मिले। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क गेट्स वर्क एट मार्केट वेज रेट। ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे जो लोग काम करना चाहते हैं और काम करने के लिए एबल भी हैं, दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए, और उनको वेजेस मिल रही है किस पे? मार्केट वेज रेट पे, ठीक है। उनको काम भी मिल रहा है और उनको वेजेस भी मिल रही है, तो ये सिचुएशन क्या होती है? फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव इज टू फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है? इंक्लूसिव से जैसे पता चल रहा है ना, आंतरिक, बिल्कुल डीपली हर चीज की ग्रोथ हो, तो इंक्लूसिव ग्रोथ वो होता है। फर्स्ट क्या है हमारा इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जहां पे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मोर पीपल पार्टिसिपेट इन ग्रोथ, उसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ बोलेंगे। जहां पे सारे लोग कवर्ड हों। बेनिफिट्स मस्ट बी शेयर्ड अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और जो ग्रोथ्स के बेनिफिट्स हैं वो सबको मिलने चाहिए। अगर वो बेनिफिट सबको नहीं मिले तो क्या होगा? इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो दोनों चीजें, कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए किसके लिए? इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। अब एक हमारा छोटा सा पॉइंट है, और आप कह सकते हो छोटा सा क्वेश्चन है, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो एम्प्लॉयमेंट। ये कह रहे हैं जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सबको काम मिल रखा है, उसका मतलब ये नहीं कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, कि मतलब कंट्री में बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं है। ऐसा क्यों है? फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर देयर All the resources are fully and efficiently employed. Full employment एक ऐसी situation है जहां पे सबको काम मिल रखा और वो efficiently employed है, but employed at existing wage rate. जिनको काम मिला है और वो employed है किस पे? जो existing wage rate चल रहा है। In reality, full employment does not mean zero employment. Full employment का मतलब reality में zero unemployment नहीं होता। क्यों? ऐसे बहुत सारे reason है जहां जिसकी वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं पाता। तो फर्स्ट है हमारा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? पीपल आर अनविलिंग टू कैरी आउट वर्क। जहां पे लोग काम ही नहीं करना चाहते, अगर लोग काम नहीं करना चाहते तो आप उस सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे बोलोगे, ठीक है। एक ये फैक्टर है। सेकेंड है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? वॉन्ट टू चेंज एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। जो क्या है, लोग एक जॉब से दूसरी जॉब को चेंज करने के जो ड्यूरेशन में उनके पास बेरोजगारी है या उनको जॉब नहीं मिलती, उसको क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और थर्ड है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? न्यू मशीन इंट्रोड्यूस सो दैट वर्कर्स आर अनेबल टू फाइंड वर्क। नई टेक्निक्स आ गई, नई मशीन आ गई, तो लोगों को उसको एडजस्ट करने में, चेंज करने में टाइम लगता है, उसको सीखने में टाइम लगता है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। आप किसी भी सिचुएशन में ऐसे नहीं बोल सकते हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। अब हम पढ़ेंगे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इक्विटी क्या होती है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ नॉट सर्व द पर्पस इफ, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई पर्पज नहीं है अगर फर्स्ट हमारा रिच बिकम रिचर एंड पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि जो रिच पर्सन है, जो अमीर लोग हैं, वो और अमीर हो रहे हैं और पुअर वही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये कोई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये इक्वालिटी वाली ग्रोथ नहीं है। बेनिफिट्स मस्ट बी स्प्रेड ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो बेनिफिट्स होने चाहिए वो कहाँ होने चाहिए, सबको मिलने चाहिए, सारी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलने चाहिए। इट मीन सोशल इक्वालिटी, सबके बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि रिच को ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पुअर को कम मिल रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। अब हम ये पढ़ेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इट मीन्स दैट एवरी पर्सन गेट्स द सेम शेयर इन नेशनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर एंड क्लर्क गेट सेम सैलरी। देखो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी सिचुएशन जो पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों? ये कह रहे हैं हर पर्सन को सेम सैलरी या सेम शेयर मिलना चाहिए, जैसे डॉक्टर की भी उतनी ही सैलरी हो और जितनी एक क्लर्क की हो, तो बट ऐसा नहीं है ना पॉसिबल, तो इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इतना पॉसिबल नहीं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अब देखते हैं क्या होता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इट मीन्स डिफरेंसेज इन इनकम आर अलाउड बट ओनली विद सर्टेन लिमिट। ये कह रहे हैं कि इनकम में डिफरेंसेस चलेगा बट कुछ लिमिट्स हैं। वो लिमिट्स कैसी हैं? इट एम्प्लाइज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वर्कर्स गेट सैलरी अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। इसमें क्या कह रहे हैं, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है हर किसी पर्सन को, हर वर्कर को सैलरी उसकी क्वालिफिकेशन और स्किल्स के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डॉक्टर गेट्स 1 लाख फॉर सर्जरी 1 आवर वर्क एंड अ वर्कर गेट्स ₹50,000 फॉर अ ईयर फॉर 8 आवर वर्क। देखो, जो डॉक्टर है उसको 1 आवर की सर्जरी के लिए 1 लाख मिल रहे हैं और एक वर्कर को 50,000 मिल रहे हैं, किसके लिए, पूरे वो 8 आवर्स काम कर रहा है पूरे ईयर के, तो ये डिफरेंस क्या, बहुत ज्यादा है और सोशली जस्टिफाई नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इस ये ऐसे नहीं होगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, सबको अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग काम मिलना चाहिए। ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन भी एक हमारा लॉन्ग टर्म गोल था। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या होता है, मीन्स अपडेशन ऑफ टेक्निकल चेंजेस एंड एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे क्या है, जो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, किससे बढ़ेगी, न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करके, न्यू इनिशिएटिव्स लेके, बहुत सारे चेंजेस करके, जिससे प्रोडक्शन बढ़े फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ग्रीन रेवोल्यूशन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन देखो क्या था, एक बीच में हरित क्रांति आपने सुना होगा। हरित क्रांति में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स बोल सकते हो, बहुत सारी ट्रेनिंग बोल सकते हो, बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव बोल सकते हो लॉन्च करे, जिससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर बढ़ा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन मीन्स न्यू टेक्निक्स को उनको बताया गया कि इस चीज से ऐसा होता है जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। सेल्फ सफिशियंसी, सेल्फ सफिशियंसी मीन्स होता है जहां पे आप दूसरों पे कम डिपेंड हो और खुद ज्यादा काम करो। इट मीन्स डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, पर्टिकुलरली फूड ग्रेन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डिपेंडेंसी अपने ऊपर ज्यादा हो। बेसिक आइडियाज, नोबडी टेक अननेसेसरी एडवांटेजेस ऑफ द डिपेंडेंसी। यहाँ पे ये बोला गया कि आप ज्यादा से ज्यादा खुद प्रोडक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनो। ठीक है, ताकि क्या हो, कोई अननेसेसरी एडवांटेजेस ना ले पाए। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, शॉर्ट पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। देखो, बहुत सारे ईयर्स में कुछ छोटे छोटे शॉर्ट पीरियड गोल्स बने, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये ईयर वाइज चलेंगे हम। फर्स्ट प्लान हमारा बना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। इस प्लान का क्या था, प्लान इज टू फोकस ऑन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इस प्लान का फोकस क्या था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड वेल्थ। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया ना, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो प्रोडक्शन का, इनकम का और वेल्थ का। तो ये प्लान 1951 से 56 तक चला, ये हमारा फर्स्ट प्लान था। सेकेंड प्लान के बारे में बात करते हैं। सेकेंड प्लान है हमारा 1956 से 31 मार्च 1961 तक चला। इसका मेन एम क्या था, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, थर्ड प्लान में मूव करते हैं हम। एक पूरा प्लान का चार्ट बना रखा मैंने। थर्ड प्लान है 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। इसमें क्या है, सेल्फ सफिशियंसी। सेल्फ सफिशियंसी मैंने ऊपर भी बताया अभी आपको, सेल्फ सफिशियंसी मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंस अपने ऊपर हो, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पे हो।
ठीक है, और सेकंड था जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये इस प्लानिंग का मेन रोल था या मेन एम था। फोर्थ प्लान बना हमारा 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974। इसका फर्स्ट प्लान वो क्या था एम, प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब प्राइस स्टेबल हो, बार बार फ्लक्चुएट ना करे, ताकि लोग उसको किसी भी गुड्स को इजीली परचेज कर पाए। सेकंड क्या था, फुल यूटिलाइजेशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। फुल यूटिलाइजेशन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मींस उनका अच्छे से मैक्सिमम यूज हो, किसका, मैन पावर्स का। उनको ठीक से मतलब ऐसा ना हो कि वेस्टेज हो रही है या कोई पर्सन खाली बैठा है या उसको उतनी स्किल्स डेवलप नहीं कर पा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये फोर्थ प्लान का मेन मोटिव था। फिफ्थ प्लान में हमारा है 1974 से 1979 तक चला। इसका मेन एम क्या था, रेज लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, ठीक है। सिक्स्थ प्लान है हमारा 1982-85। इसका फर्स्ट मोटिव था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटे, और सेकंड था डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता, रोड्स, ब्रिजेस, कैनाल्स और अलग अलग डेवलपमेंट्स हों, तो ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सेवन्थ प्लान हमारा था 1985 से 31 मार्च 1990। इस प्लान का मेन एम क्या था, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ठीक है। नेक्स्ट प्लान है हमारा एट्थ प्लान। एट्थ प्लान हमारा 1992 से 1997 तक चला। इसका फर्स्ट मेन मोटिव क्या था, एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल। एलिमेंट्री एजुकेशन होता है जो बेसिक एजुकेशन हो सकता है, आप बोल सकते हो प्राइमरी एजुकेशन, वो सबको मिलनी चाहिए। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, इसमें भी क्या था, इनका एक और मोटिव था कि मैन पावर की फुल यूटिलाइजेशन हो। नाइन्थ प्लान था हमारा 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक बना। इनका क्या मोटिव था, ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ग्रोथ भी हो, प्राइस भी स्टेबल हो। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होता है, सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है कि आप रिसोर्सेस को ऐसे यूज करें, इस वे में यूज करें कि जो आगे फ्यूचर जनरेशन है उसको इफेक्ट ना पड़े, समझ रहे। जैसे अभी हमने, हमारे पास रिसोर्सेज है, हमने सारे यूज कर लिए, जो आगे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो हमें ऐसे करके चलना है कि ग्रोथ भी हो, प्राइस भी स्टेबल हो और फ्यूचर जनरेशन भी इफेक्ट ना हो, इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। फिर हमारा आया टेंथ प्लान। टेंथ प्लान आया 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 पे। इसका फर्स्ट एम क्या था, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। अच्छी क्वालिटी हो लाइफ की, किससे, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज हो, एजुकेशन फैसिलिटीज हो। इसके बाद आया हमारा 11th प्लान। 11th प्लान कब आया, 2007 से 2012 पे। इसका फर्स्ट एम था पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी कम हो, जॉब क्रिएशन, जॉब ज्यादा से ज्यादा मिले लोगों को, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, और ऐसी ग्रोथ है जहां पे एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन लेके भी हम चले। 12th प्लान हमारा आया था 2012 से 2017 पे। इसका था सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। सस्टेनेबल मैंने बता दिया, ऐसी ग्रोथ जहां पे फ्यूचर जनरेशन इफेक्ट ना हो। इंक्लूसिव ग्रोथ, आंतरिक ग्रोथ, जहां पे क्या हो, कंप्लीट ग्रोथ हो, जिसके बेनिफिट सबको मिलने चाहिए। तो ये हमारे 12 प्लान्स थे, शॉर्ट टर्म प्लान्स, और मैंने लॉन्ग टर्म प्लान्स भी डिस्कस कर लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।